तो आज के इस वीडियो में आप देखोगे आप अपने पीसी या मोबाइल में कैसे डीजीपे रन करोगे, ठीक है। डीजीपे कैसे चलाओगे अपने पीसी में या फिर अपने मोबाइल में या लैपटॉप में। और साथ में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इस मॉर्फो सेटिंग से आप अपने आयुष्मान भारत कैसे चला सकते हो, और साथ में पीएमजी दिशा भी काम करते हो तो उसमें भी मॉर्फो ये रन होगा, ठीक है। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो लास्ट तक देख सकते हो। तो हम चलते हैं टॉपिक के ओर। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इसी तरह की जानकारी बहुत आगे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आने का कारण आपको तीन है। एक तो डीजीपे लेटेस्ट वर्जन यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, और साथ में मॉर्फो का ड्राइव, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो ये मॉर्फो ड्राइव आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, यहीं पर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी हालांकि इसका डाउनलोड लिंक अवेलेबल नहीं है, हम अवेलेबल कर देंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ पर आओगे, डीजीपे डाउनलोड करोगे, साथ में मॉर्फो ड्राइव भी डाउनलोड कर सकते हो। और ध्यान रहे, अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये वाला ज़रूर पढ़े, क्योंकि अगर आप डीजीपे चलाते हो तो ये आपके पास जानकारी होना चाहिए क्या करे और साथ में क्या ना करे। और ये जो है डीजीपे खुद नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। ये इंग्लिश से है, यहाँ पर आपको हिंदी से मिल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता दूँ, अगर आप डीजीपे चलाते हो या फिर भविष्य में चलाने वाले हो आने वाले टाइम में, तो इसका ऑफलाइन एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, मतलब एक रजिस्टर रखना पड़ता है। उसमें जो भी लेन देन होता है एक दिन में, उसका रिकॉर्ड आप ऑफलाइन अपने डायरी में रखोगे, और साथ में आपके आपके पास जो भी कस्टमर आता है उसका लेन देन का हस्ताक्षर भी लेना जरूरी है। आप यहाँ भी पढ़ सकते हो क्या ना करे में क्या नहीं करना है आपको, वो यहाँ जान सकते हो, और क्या करे इसमें ये जान सकते हो। तो यहाँ आने के बाद आप डीजीपे पहले डाउनलोड करोगे, फिर यहाँ मॉर्फो ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, वो दोनों डाउनलोड करोगे। अब जैसे कि मैं पहले ही कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले हम जो है मॉर्फो इंस्टॉल करेंगे। तो मॉर्फो के लिए हम यहाँ ये फाइल खोल दिए, ये जो है जीप फाइल डाउनलोड होगा। जैसे कि आप देख सकते हो जीप फाइल डीजीपे भी, ठीक है, डाउनलोड होगा। तो इसे आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करोगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये एक फोल्डर बन जाएगा, इसे ओपन करोगे। अब यहाँ देखिए मॉर्फो ड्राइव सीएसई ऑल सर्विस रन, ये वाला ओपन करना है। हो सकता है आप जब ये डाउनलोड करोगे तो ये दोनों देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये ओपन करना है। और यहाँ देखोगे सबसे नीचे जो है रन एंड डीजीपे का ऑप्शन है, तो इसमें आप राइट क्लिक करोगे और फिर रन एंड एडमिनिस्टर में क्लिक करोगे। तो रन करने से पहले आप ये ध्यान रखोगे कि आपके सी ड्राइव में मॉर्फो नाम का चीज़ कोई भी फोल्डर ना होना चाहिए, ठीक है। अगर है मॉर्फो नाम का चीज़ एक दो फाइल है, फोल्डर है, तो उसे डिलीट कर दे, और साथ में अनइंस्टॉल फाइल में जाके आपके सिस्टम में मॉर्फो ड्राइव इंस्टॉल है तो उसे अनइंस्टॉल कर देना है, मतलब उड़ा देना है। अनइंस्टॉल कर दिए, फिर यहाँ फोल्डर जो भी था डिलीट कर दिए। एक रूट फाइल भी हो सकता है, रूट फाइल अगर देखने को मिले तो वो भी डिलीट कर देना है। अब डिलीट करने के बाद यहाँ सर्कल से भी हटा देना है, इस ग्लास से भी हटा देना है। उसके बाद ये रन करोगे, राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करोगे, फिर यस करोगे। अब यहाँ जैसे ही यस करोगे ये ऑप्शन इस तरह से खुलेगा, आपको अपने कीबोर्ड में कोई भी एक की दबा देना है। चलिए अभी हम F दबा देते हैं, अब ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ डिलीट में सेलेक्ट करना है और रिसेट में क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए रिसेट हो चुका है फटाफट, हो सकता है आपके सिस्टम में टाइम लेगा। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, चारों में चेक मार्क आ जाता है, आपको इसको क्लोज कर देना है। अब जैसे ही क्लोज करोगे ये इस तरह से डिलीटिंग हिस्टोरी का ऑप्शन चलेगा, लगभग 20 सेकंड तक चल सकता है। तो देख लेते कब तक चल रहा है, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ जावा इंस्टॉल का ऑप्शन ऑटोमेटिक आने वाला है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही देखना है। थोड़ी देर बाद देखिएगा ये जावा इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, आपको उसको कैंसिल कर देना है, जावा इंस्टॉल नहीं करना है। ये देखिए आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, फिर यस में क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए ये इस तरह का ऑप्शन एक खुल जाएगा, ये बॉक्स खुल जाएगा, और फिर से ये जावा वाला ऑप्शन आ सकता है। तो आप इसे फिर से कैंसिल करोगे। अब यहाँ देखिए सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन, आपको इसको इंस्टॉल सर्टिफिकेट में क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर फिनिश में। अब यहाँ देखिए द इम्पोर्ट वैस सक्सेसफुल, ये वाला ऑप्शन जो है बाद में आ सकता है, मतलब थोड़ा लेट से आ सकता है। तो आप ये इंतज़ार करें, ये जब तक ना आए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये जैसे ही आ जाएगा आपको इसको ओके करना है, फिर इसे भी ओके करना है। तो पहले हम यहाँ
ये वाला फाइल देख लेते हैं, ठीक है। ये फाइल भी आप देखते रहिएगा। चलिए हम इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ देख सकते हो मोर्फो ड्राइव भी इंस्टॉल होने का ऑप्शन आ चुका है। अब नेक्स्ट में क्लिक करोगे, नेक्स्ट में फिर इंस्टॉल में, तो इस तरह से इंस्टॉल प्रोसेस फिर से चालू हो जाएगा मोर्फो ड्राइव। अब यहाँ भी अगर आपका 64 बिट है या फिर 32 बिट है, जो भी है, ये इंस्टॉल होना प्रोसेस हो जाएगा और ऑटोमेटिक होगा। और यहाँ देख सकते हो एक सेगेम मोर्फो CBM सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है। अभी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा सब कुछ कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ आप क्या करोगे, आप ओके में क्लिक करना है। तो चलिए ओके कर दिए। फिर ये जो बॉक्स है PC का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करोगे, ये इस तरह से कंप्लीट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अब इसको आपको ओके करना है। जैसे ओके करोगे फिर यहाँ बोल रहा है कि आपका सिस्टम रिस्टार्ट करना है या नहीं करना है, तो हम बोलेंगे नहीं करेंगे और फिनिश में क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए फिर से वो ऑप्शन आ चुका है, फिर से हम नो में सेलेक्ट करते हैं, फिर फिनिश में क्लिक करते हैं, फिर से आपका ये सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा। फिर से आपको इंस्टॉल सर्टिफिकेट में क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर फिनिश में। अब यहाँ इंपोर्ट का सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब इसको ओके करना है, यहाँ ओके करके निकल जाना है। अब जैसे ओके करोगे ये इस तरह से एक नया पेज खुलने का कोशिश करेगा, आप इसको क्लोज कर सकते हो। अब यहाँ देखिए ये वाला ऑप्शन बोल रहा है कि फिर से एनी की कंटिन्यू करो, मतलब एनी की प्रेस करो। तो चलिए फिर से एनी की प्रेस कर देते हैं, ये क्लोज्ड हो गया। अब यहाँ आपको क्या करना है, ये दो फोल्डर जो है ऑटोमेटिक आएगा फाइल, इसको डिलीट कर देना है। तो चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, हम अपना DGP जो है इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए यहाँ DGP जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। ये DGP ओपन करते हैं और इसे राइट क्लिक करते हैं, फिर रन एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करके यस में क्लिक करते हैं, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। अब ये इंस्टॉल हो गया। अब फिनिश में क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए DGP का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ क्या करोगे, अब लास्ट में एक बार अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे। तो हम क्या करेंगे, अभी सिस्टम को रिस्टार्ट करके आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो मैं पूरा जो अपना सिस्टम जो है एक बार रिस्टार्ट करके वापस आ चुका हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये वाला फाइल डाउनलोड करना है, ये वाला फाइल आपको यहीं पर मिल जाएगा जहाँ पर आप DGP और DGP का मोर्फो ड्राइव का जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए वहीं पर। यहाँ देखिए यहाँ पर आप DGP डाउनलोड किए, यहाँ पर मोर्फो का ड्राइव डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ ध्यान दोगे तो DGP एंड आयुष्मान सेटअप, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करते ही ये भी जीप फाइल में डाउनलोड होगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट होने के बाद इस तरह से ओपन होगा, आपको मोर्फो RD सर्विस सॉफ्ट वाला ओपन करना है। अब जैसे ही ओपन करोगे इसको ऑल सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद कॉपी कर लेना है, फिर सी ड्राइव में जाना है और यहाँ DGP ओपन करना है, मतलब CSE गवर्नमेंट सर्विस ओपन करना है, फिर DGP और यहाँ जो भी फाइल कॉपी किए थे उसे यहाँ पर पेस्ट कर दे। जो पेस्ट हो रहा है वो ठीक है, अगर जो नहीं हो रहा है उसे स्किप कर दे। इस तरह से एक बार में करने के लिए आपको यहाँ देखिए चेक मार्क लगाना है और रिप्लेस में क्लिक करना है, ये सब एक बार में पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कीजिएगा, हो सकता है आपके सिस्टम में जो है एक बार में हो जाए। ये देखिए इस तरह से कॉपी होगा। अब यहाँ एक सिग्नल आएगा कुछ इस तरह का, पेस्ट होने के बाद कुछ इस तरह का सिग्नल आ जाएगा आपके मशीन में। आपको क्या करना है, इसमें ओके कर देना है, फिर ये सब हटा देना है। अब यहाँ देखिए डिवाइस हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ये मैसेज आ जाएगा, इसको ओके कर दीजिएगा। फिर से अगर ये रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का SMS नहीं आ रहा है तो आपको सर्विस में जाना है, यहाँ पर स्टार्ट में जाना है, यहाँ सर्विस टाइप करना है, सर्विस, और ये ओपन कर देना है। क्या ओपन किए आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए सर्विस, यहाँ देखिए सर्विस एक सेटिंग का लोगो है, इसको ओपन कीजिएगा, कुछ इस तरह से खुलेगा। अब यहाँ आपको क्लिक करना है कहीं भी और अपने कीबोर्ड में M दबा देना है और यहाँ देखिए मोर्फो RD सर्विस, इसे राइट क्लिक करके रिस्टार्ट कर देना है। अगर वो डिवाइस सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का ऑप्शन नहीं आया तो उसके रजिस्टर्ड करने के बाद, रिस्टार्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ DGP ओपन करना है। तो चलिए हम DGP ओपन करते हैं। अब देखिए ये खुल चुका है। अब जैसे ये खुल जाएगा आप अपना यहाँ CSE ID डालोगे। चलिए डाल देते हैं, डाल दिए। यहाँ आधार नंबर डालोगे, आधार नंबर डाल दिए, यहाँ पर आपको चेक मार्क लगाना है, यहाँ प्रोसीड में क्लिक करना है।
अब यहाँ देखिए आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ बोल रहा है ये नंबर में आपको ओटीपी भेजा है, तो चलिए इसको हम क्लोज करते हैं। ओटीपी यहाँ डालना है यहाँ पर, तो चलिए देख लेते हैं मोबाइल में ओटीपी आया है कि नहीं। आ चुका है, चलिए ओटीपी डाल देते हैं और यहाँ वैलिडेट ओटीपी में क्लिक करते हैं। अब जैसे वैलिडेट ओटीपी में क्लिक करोगे आपका पूरा सिस्टम, मतलब आपका पूरा आपका डिटेल्स दिखाएगा, आपका पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर क्रेडेंशियल वैलिडेट कर रहा है। आप ध्यान रखिए आपको यहाँ पर तीन फाइल डाउनलोड करना है, एक तो डीजी पे ऊपर से यहाँ मॉर्फो ड्राइव डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ नीचे डीजी पे आयुष्मान सेटअप, तीनों एक बार डाउनलोड कीजिए एक साथ। डाउनलोड करने के बाद जैसे जैसे इंस्टॉल किए वैसे वैसे करना है, एक बार रिस्टार्ट करना है सिस्टम। अब यहाँ टाइम ले सकता है, अब देख सकते हो जैसे वैलिडेट कर लेगा इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, आपका नाम दिखाई देगा, आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा, आपका बैंक डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ सिर्फ हम चेक मार्क लगाते हैं और अथेंटिक में क्लिक करते हैं। अब अथेंटिक में जैसे क्लिक करोगे आपका मॉर्फो डिवाइस जो भी डिवाइस है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपना थंब लगाइए, चलिए लगा देते हैं और यहाँ कुछ इस तरह से अथेंटिक करेगा। अब यहाँ बोल रहा है एरर डाटा मिसमैच, मेरा जो फिंगर्स है वो मिसमैच हुआ, तो चलिए फिर से डाल देते हैं और एक बार फिर से क्लिक करते हैं और फिर से लगा देते हैं, अब शायद हो जाएगा। अब ये देखिए हो चुका है, अब रिस्टार्ट एप्लीकेशन बोल रहा है, आपको इसमें ओके करना है और फिर से ओपन करना है। तो चलिए दिखा देते हैं ये ओपन हो रहा है और साथ में आपको ये भी बताएंगे आयुष्मान भारत रन कर रहा है कि नहीं, और अगर आप मोबाइल में चलाना चाहते हो डिजी पे तो वो कैसे करोगे वो भी आपको जानकारी दे देते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हमको यहाँ डालना पड़ेगा CSC ID। अब यहाँ एक बार कैप्चर लगाना पड़ेगा और स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन में जैसे ही क्लिक करोगे आपका फिंगर्स फिर से जलेगा डिवाइस। अब यहाँ फिर से ये कनेक्ट हो रहा है डिजी पे। अब ये OTP मांग रहा है, आपके मोबाइल में फिर से OTP भेजा गया है। चलिए देख लेते हैं, आ गया है OTP, OTP डाल देते हैं। हाँ, वैलिडेट OTP में क्लिक करते हैं, अब इस तरह से खुल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो आप जो भी काम करना चाहते हो कर सकते हो। और मैं बता दूँ DGPay में बहुत ही जल्द मनी ट्रांसफ़र, डिपॉजिट और वॉलेट का ऑप्शन आने वाला है। अब चलिए हम चलते हैं आयुष्मान भारत में काम कर रहा है कि नहीं, हम चलते हैं डायरेक्ट आयुष्मान में। और यहाँ देखोगे ये लॉगिन हो रहा है, ये आधार नंबर डाल देते हैं, ये डाल दिए। अब कन्फर्म में क्लिक किए, अब फिर से यहाँ मॉर्फो डिटेक्ट करेगा, आपका डिवाइस डिटेक्ट करेगा। तो दिखाते ये डिटेक्ट कर लिया, आपको पता चल गया कि ये भी काम कर रहा है। हम लॉगिन करके भी दिखा देते हैं आपको, ये देखिए अभी ये रिडायरेक्ट कर रहा है, ये बोल रहा है अथेंटिक फेल, मतलब फिर से मिसमैच हुआ। फिर से डाल देते हैं, फिर से कंफर्म में क्लिक करते हैं, पटापट इस बार कर लेते हैं। पता नहीं कैसे बार बार हो जाता है फेल, लगता है बायोमेट्रिक अपडेट करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए कैप्चर में करते हैं क्लिक, अब फिर से हम दे देते हैं फिंगर्स, अब फिर से ये कर रहा है वैलिडेट और फिर से करेगा रीडायरेक्ट, और ये देखिए लॉगिन हो गया। तो अब देख सकते हो ये भी काम कर रहा है, DGPay भी काम कर रहा है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि आप मोबाइल में चलाना चाहते हो DGPay तो कैसे चला पाओगे। आपको आ जाना है यहाँ पर, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको दो लिंक मिलेगा, एक तो अगर आप PC में चलाना चाहते हो तो ये वाला लिंक दे देंगे, आप यहाँ से सभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो और DGPay का क्या करे क्या ना करे के बारे में जान सकते हो। और मोबाइल में चलाना चाहते तो इसका भी लिंक दे देंगे, आप यहाँ पर आ जाओगे और जो भी कुछ लिखा है पढ़ लोगे, या फिर अगर नहीं पढ़ोगे तो आप यहाँ एक वीडियो दिया गया है वो वीडियो देख ले हुए समझ में आ जाएगा। और यहीं पर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन DGPay का बहुत सारा फेक एप्लीकेशन प्ले स्टोर में है, अगर आप फेक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो तो हो सकता है आपका कुछ दिक्कत आ जाए। तो आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा दोनों, एक मॉर्फो का है और एक जो है DGPay का एप्लीकेशन है, और ये वीडियो देख लीजिएगा, आप आराम से मोबाइल और PC में चला सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी इसी तरह की जानकारी लगातार मिलते रहेगा। तो मिलते फिर एक नए वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।